एंगुलर मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में किसी रेफरेंस पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से अपनी एंगुलर पोजीशन को तब्दील कर रहा हो तो उसका जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। इसको हम नॉर्मली कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। इसी को हम ग्राफिकली समझते हैं। सपोज कि हमारे पास एक मास पार्टिकल है जो स्पेस में मूव कर रहा है और ये उसके मोमेंटम यानी उसके लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है जो कि उसके वेक्टर से यहाँ पर शो की जा रही है। सपोज कि हम स्पेस में एक रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं और इस पार्टिकल की रिलेटिव टू दैट रेफरेंस पॉइंट जो पोजीशन है उसको हम एक पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट करते हैं जबकि रेफरेंस पॉइंट को हम ओ कह रहे हैं। अब अगर हम इसका जो लीनियर मोमेंटम पी है और जो पोजीशन वेक्टर आर को अगर हम आगे की तरफ प्रोजेक्ट करें तो पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम पी में एंगल थीटा बन रहा है। अब यहां से हम इसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसको डिफाइन कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम मैथमेटिकली इसके जो लीनियर मोमेंटम पी है और पोजीशन वेक्टर आर जो कि स्पेस में हमने किसी रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करके वहां से रिलेटिव इसकी पोजीशन हम मेजर कर रहे हैं इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। तो मैथमेटिकली हम एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी के तौर पर डिफाइन करते हैं। अब अगर हम इसी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो मैग्नीट्यूड इसका जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट के रूल्स के मुताबिक आर पी साइन थीटा के बराबर है। अब अगर हम इस फार्मूले को देखें तो इसमें आर जो है वो पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है जबकि पी साइन थीटा मोमेंटम का जो वेक्टर है पी उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब अगर हम इनको ड्रॉ करें तो यहाँ से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पी का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हमेशा पोजीशन वेक्टर आर के पैरेलल होगा जबकि पी साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो हमेशा पोजीशन वेक्टर आर के परपेंडिकुलर होगा। यानी हम पी को इस तरह से रिजॉल्व करेंगे कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पोजीशन वेक्टर आर के पैरेलल लिया जाएगा जबकि उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो हमेशा पोजीशन वेक्टर आर के परपेंडिकुलर होगा। अब इसी मैग्नीट्यूड को चूंकि आर और पी दोनों ही मैग्नीट्यूड्स हैं तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। हम एंगुलर मोमेंटम को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं यानी एल इज इक्वल टू आर पी आर साइन थीटा। अब पी आर साइन थीटा को देखते हुए हम ये गेस कर सकते हैं कि P तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है जबकि R साइन थीटा पोजीशन वेक्टर R का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब इस पर भी वही रूल अप्लाई होगा यानी हम R को भी उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं और अगर हम R को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके देखें तो उसी तरह से करेंगे यानी R का जो X कंपोनेंट है वो P की डायरेक्शन में होगा यानी P के पैरेलल होगा और R का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी आर साइन थीटा है वो पी के हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम वेक्टर प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम सिंपल वर्ड्स में किसी बॉडी अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसका जो मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा और ये हमेशा बताता है कि किसी बॉडी में अमाउंट ऑफ रोटेशन कितनी है। अब चूंकि हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो वेक्टर प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का जिनमें से एक पोजीशन वेक्टर है और दूसरा लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम को हम p इज इक्वल टू एम वी के तौर पर लिख सकते हैं और अगर हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू में इसको इंसर्ट करें तो हमें एंगुलर मोमेंटम एक और फॉर्म में मिल जाता है यानी आर एम वी साइन थीटा और इसको हम रीअरेंज करके एम आर वी साइन थीटा के तौर पर भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की एक और फॉर्म आ गई और इस फॉर्म को देखते हुए हम एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। अब एसआई यूनिट जो है मास का वो है किलोग्राम और
r का जो यूनिट है वो मीटर है और v का जो कि वेलोसिटी है उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। अगर हम इन तमाम वैल्यूज को यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमें हासिल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन अगर करें इस तरह से कि इसको सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली जाउल इनटू सेकंड में तब्दील हो गया है, यानी एंगुलर मोमेंटम का जो एसआई यूनिट है वो जाउल सेकंड कहलाता है। अब एंगुलर मोमेंटम जैसा कि हमने कहा वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर्स का ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अब हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे और वो वेक्टर प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक होगी, यानी हम राइट हैंड रूल से उसकी डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट की रोटेशन को जो राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं उससे मेंशन करें तो जो थंब की डायरेक्शन है वो बताएगी कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, और वही डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी की भी है। और इसी तरह से अगर हम इसको एक स्पिनिंग टॉप में ऑब्जर्व करें, इसकी जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है, और अगर बिल्कुल वेक्टर प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक अगर हम ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने ली है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है, और अगर हम इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज ले लें तो ये वेक्टर जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इसी तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और वेक्टर प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक आर और पी दोनों एक ही प्लेन में मौजूद हैं जबकि एल उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेंट्रिपिटल मोशन में है, यानी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। इसमें इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो आप देख सकते हैं कि वो हमेशा इसके जो पोजिशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर रहेगी और वो सर्कल के साथ एक टेंजेंट बना रही है, तो ये जो वेलोसिटी है इसको हम नॉर्मली टेंजेंशियल वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी और आर का एंगल देखें तो वो हमेशा 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर साइन ऑफ 90 मैक्सिमम है, तो एंगुलर मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट का जो है वो मैक्सिमम होगा, यानी एम वी आर के बराबर होगा। अब वी को हम आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो वैल्यू पुट करने से जो एंगुलर मोमेंटम है वो एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर होगा।